यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भागीरथ प्रयास सफल हो रहा है। सीएम योगी के फैसलों से तराई जिले श्रावस्ती के आखिरी गांव तक विकास की तस्वीर दिखने लगी है। वहीं थारू जनजाति को तरक्की की मुख्य धारा से जोड़ा गया है, जो उनकी जिंदगी को संवार रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे के हर कोने तक तरक्की और सुविधाओं की चादर बिछाने की कोशिशों में जुटे हैं, और जब मकसद नेक हो तो सफलता मिलनी तय है। कुछ ऐसे ही सफलता और तरक्की की तस्वीर अब थारू जनजाति बाहुल्य श्रावस्ती के गांव में दिखने लगी है। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की हर घर जल योजना से थारू जनजाति की किस्मत बदल रही है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना से समुदाय के लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। श्रावस्ती की ग्राम पंचायत बचकोही के बनकटी गांव में थारू जनजाति के 765 निवासी हैं, जहां कुल 116 हाउस होल्ड हैं। हर घर जल योजना के तहत इनके घर स्वच्छ जल पहुंचाने की सीएम योगी की मुहिम रंग लाई है। योगी सरकार के प्रयासों से बनकटी गांव की थारू महिलाएं और बेटियां तरक्की की इबारत लिख रही हैं। एफटी के प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ी महिलाएं अब दूसरों को जागरूक करने में जुटी हैं। जल जीवन मिशन से जुड़ी थारू महिलाएं इलाके में जल परीक्षण कर पानी की जांच कर रही हैं, जिससे आर्सेनिक और आयरन की अधिक मात्रा से जूझ रहे श्रावस्ती में दूषित जल की समस्या का निदान हुआ है।